Good morning all of you. I hope you all are fine and safe at your home. In previous video, we have done exercise 6B and we have learned addition and subtraction of decimal numbers. Today we will do exercise 6C. In this video, we will learn multiplication and division of decimal numbers. Before starting this exercise, there are some properties of multiplication. Our first property is the product of decimal number and a whole numbers multiplied in any orders remains the same. क्या बोल रहा है first property में कि मैंने एक decimal number और एक whole number को multiply किया. Next मैंने एक whole number और एक decimal number को multiply किया तो क्या इनके answer में change होगा? नहीं होगा. रजी अगर मैं डेसिमल नंबर या होल नंबर इनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करूँ, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने 0.9 को 5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ मैंने क्या राइट किया, पहले 5 राइट किया, पहले मैंने होल नंबर राइट किया, होल नंबर को 0.9 से मल्टीप्लाई किया, पर मेरे आंसर में चेंज नहीं होगा. अगर यहाँ डिजिट चेंज होते फिर आंसर में चेंज होता, बट डिजिट बिल्कुल सेम है. देखिए पहले यहाँ क्या था, डेसिमल नंबर है देन होल नंबर है, सेम है. नेक्स्ट में देखिए यहाँ क्या है, पहले होल नंबर देन डेसिमल नंबर, बिल्कुल सेम है. इनका सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, मींस ऑर्डर के चेंज होने पर जो उनका आंसर है उसमें चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है. जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनका आंसर जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा. क्लियर. सेकेंड प्रॉपर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर्स रिमेन सेम इवन इफ द ऑर्डर इज चेंज. सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि टू डेसिमल नंबर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो सेम रहेगा अगर इनका ऑर्डर चेंज हो जाए तो. तो देखिए जैसे फर्स्ट मैंने लिया यहाँ 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5. ओके ये मेरी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पर मैंने क्या राइट किया रजे, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 7.5. देखिए इनका सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, पहले मैंने यहाँ क्या लिखा था 7.5 देन 2.5, यहाँ मैंने क्या लिखा है रजे 2.5 मल्टीप्लाई 7.5. सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज हुआ है, डेसिमल नंबर सेम है. तो प्रॉपर्टी यही बोल रही है द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर्स रिमेन सेम इवन इफ द ऑर्डर इज चेंज. उनके ऑर्डर के चेंज होने पर भी जो उनका जो प्रोडक्ट होगा टू डेसिमल नंबर्स का वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर एंड वन इज द डेसिमल नंबर इटसेल्फ. थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि अगर किसी डेसिमल नंबर को वन के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा, सेम डेसिमल नंबर 1.9 मल्टीप्लाई बाय वन, तो इसका आंसर क्या आएगा राजे 1.9. वन को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम नंबर ही आता है. क्लियर. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, द प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल नंबर एंड ज़ीरो इज ज़ीरो. मीन्स अगर डेसिमल नंबर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो. 2.4 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, आंसर क्या आएगा राजे, ज़ीरो. ओके सो दिस वॉज आर फोर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था राजे, द प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल नंबर एंड अ होल नंबर मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर रिमेन सेम, मीन्स अगर उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है बट उनका जो आंसर है वो चेंज नहीं होता. सेकेंड प्रॉपर्टी में भी यही था कि टू डेसिमल नंबर का ऑर्डर चेंज होने पर उनके प्रोडक्ट में चेंज नहीं आता. थर्ड प्रॉपर्टी थी रजी हमारी कि अगर मैंने डेसिमल नंबर को वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आया, सेम डेसिमल नंबर. फोर्थ प्रॉपर्टी थी द प्रोडक्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर एंड ज़ीरो इज ज़ीरो, कि अगर हम एक डेसिमल नंबर और एक ज़ीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर क्या आता है, ज़ीरो होता है. ओके नाउ वी विल डू सम्स ऑफ एक्सरसाइज 6C. फर्स्ट सम इज फिलिंग इन द ब्लैंक, हमें क्या करना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है. देखिए फर्स्ट 14.2 मल्टीप्लाई बाय 2, हमें इन दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है. देखिए हम कैसे करेंगे, हमारे पास ये स्टेटमेंट है, जब हम अच्छे हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आप एक बारी डेसिमल नहीं पुट करोगे. क्लियर. आपने हम आंसर में डेसिमल देखेंगे, हमने कैसे पुट करना है, आप इसे नॉर्मल जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड कीजिए. 142 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 बाय 2 सॉरी 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 8. जैसे हम
नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हमने मल्टीप्लाई यूज़ करना है। देखिए जैसे 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 4 से करेंगे 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। तो मेरा आंसर क्या आया राजे, 2 8 4। अब देखिए हमारा डेसिमल सिर्फ यही था, ये तो होल नंबर था। अब डेसिमल देखिए, डेसिमल के बाद वन डिजिट था और यहाँ कुछ भी नहीं था, ये तो कंप्लीट होल नंबर था। तो आप क्या करोगे रजे, जो आपका आंसर आएगा उसमें आपने वन डिजिट राइट हैंड साइड से वन डिजिट लेफ्ट कर देना है, देन क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। आपने पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करनी, आपने मल्टीप्लाई जैसे हम नॉर्मल करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। बट जो आपका आंसर आएगा उसमें आपने कैसे डेसिमल लगाना है आपने स्टेटमेंट में देखना है रजे। स्टेटमेंट में देखिए सिर्फ यहीं पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद वन डिजिट है। तो आप क्या करोगे, अपने आंसर में राइट हैंड साइड से वन डिजिट छोड़कर क्या कर दोगे, डेसिमल लगा दोगे। क्लियर? सपोज कीजिए ये तो सिर्फ वन होल नंबर था, एक वन क्या था, डेसिमल नंबर। अगर दोनों ही डेसिमल नंबर हो तो आप लोग कैसे करोगे मल्टीप्लाई। सपोज कीजिए 14.56 मल्टीप्लाई बाय 7.5। अब देखिए दोनों ही डेसिमल नंबर हैं तो इनको कैसे मल्टीप्लाई करने, आपने एक बारी पॉइंट्स नहीं यूज़ करने, आपने नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले पॉइंट्स हम बाद में लगाएंगे, क्लियर? किसी भी पॉइंट नहीं ले रहे, किसी भी नंबर में हमने पॉइंट नहीं लेने। 5 6 30 0 3 कैरी, 5 5 25 3 28 8 2 कैरी, 5 4 20 20 2 22 2 कैरी, 5 1 5 2 7। ओके, नेक्स्ट 7 से करेंगे, 7 6 72 2 राइट करेंगे, 7 कैरी, 7 5 35 7 42 2 कैरी, 7 4 28 4 4 कैरी आया था हमारा, 32 हो जाएगा, 2 3 कैरी राइट कर देंगे, 7 1 7 3 10। अब हम इसे सिंपली ऐड करेंगे, 0 8 + 2 10 0, देन 1 कैरी, 2 + 2 4 1 5, 7 + 2 9, 0 as it is and 1 as it is। मेरा आंसर क्या आया राजे, 109500। अब देखेंगे हम पॉइंट्स कैसे लगाएंगे। देखिए राजे, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, क्लियर? और इसमें क्या है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो टोटल कितने हो गए, 2 + 1 3 हो गए। दोबारा बता रही हूँ रजी, देखिए हमारा जो 14.56 था पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे एंड 7.1 में पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है, तो 2 + 1 3 हो गए। तो अपने आंसर में क्या करना है रजी, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट छोड़कर आपने क्या कर देना है, डेसिमल लगा देना है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 109.500। क्लियर हुआ आपने पॉइंट्स कैसे यूज़ करने हैं? पहले हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई ही करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग कैसे करोगे, आपने स्टेटमेंट में देखना है कि आपको पॉइंट्स कहाँ दे रखे हैं, फिर आपने क्या करना है। सपोज कीजिए 718.643 मल्टीप्लाई बाय 84.6, हमें ये गिवन है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग क्या करोगे, पहले से नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे, और हाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना रजे, तो इनमें आपने पॉइंट्स नहीं लगाने। अगर आप इनमें पॉइंट्स यूज़ कर लोगे तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। आपने सिर्फ पॉइंट्स आंसर में देखना है हम कहाँ लगाएंगे, ठीक है। 718643 नॉर्मल पॉइंट्स हटाकर इन्हें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर? फिर जो हमारा आंसर आएगा रजी, जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट में क्या है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, क्लियर? और इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 3 + 1 4। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपने राइट हैंड साइड से 4 डिजिट छोड़कर आपने पॉइंट लगाना है, क्लियर? जैसे हमने यहाँ किया था सेम एज इट इज़ करना है, यही रूल्स फॉलो करने हैं। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल नंबर्स को तो अपने यही रूल्स को फॉलो करना है, क्लियर? आपने जब मल्टीप्लाई करनी है तब अपने पॉइंट्स को राइट नहीं करना, आपने डायरेक्ट नॉर्मल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट्स आप कब राइट करोगे, आंसर में, जो मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आया है उसमें आप देखोगे कि जो जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना है उसमें पॉइंट्स कहाँ पर है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप क्या करोगे, आंसर में पीछे से मीन्स राइट हैंड साइड से 3 डिजिट
छोड़कर आपने क्या करना है, डेसिमल लगाना है। क्लियर? तो 6C में रजे 1, 2, 3, 4 एंड 5 फाइव सम्स प्रोडक्ट के हैं, मीन्स मल्टीप्लाई की हैं। सेम यही रूल्स और यही प्रॉपर्टीज को फॉलो करके आपने क्या करना है, इन फाइव सम्स को कंप्लीट करना है। ओके, फिफ्थ सम में रजे प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई वीडियो की स्टार्टिंग में, वही प्रॉपर्टीज को यूज़ करना है और इनको बुक में ही फिल करना है आपने। जैसे देखिए 2.1 मल्टीप्लाई 0.1, तो इनको सेम हम इनके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम 0.1 राइट कर देंगे और यहाँ 21 राइट कर देंगे, लाइक दिस। क्लियर? आपने फिफ्थ सम बुक में ही करना है, बाकी फोर्थ सम आपने नोटबुक में सॉल्व करनी है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क टू मी।